Good morning friends, welcome to PD Classes. Today a very important session for all those who are preparing in agriculture fields. आज हमारे पास बहुत से agriculture questions हैं और हमारी candidate है वो bank में scale 2 में जाने वाली है RRB में. तो let us ask so many agriculture based questions जिससे हमारे students को बहुत benefit मिले. So are you comfortable? Yes sir. Okay Nisha, तो आज मैं आपसे बहुत से agriculture questions पूछना चाहता हूँ. तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि classification of farmers based on landholders किस तरीके से है? बता सकते हैं? Yes sir. सर फार्मर्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ओके सर, मार्जिनल फार्मर्स वे होते हैं जिनका एरिया 1 हेक्टेयर से कम होता है. राइट. स्मॉल फार्मर्स वे फार्मर्स होते हैं जिनका एरिया 1 to 2 हेक्टेयर तक होता है. राइट. एंड सर सेमी मीडियम फार्मर्स, उनका सर जो एरिया होता है वो 2 to 4 हेक्टेयर. वेरी गुड. एंड सर मीडियम फार्मर 4 to 10 हेक्टेयर. वेरी गुड. एंड सर लार्ज फार्मर्स ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर. वंडरफुल, बहुत बढ़िया आपने बताया. अच्छा ये जो आपने वर्ड लिए हेक्टेयर, ये एकर्स के हिसाब से कैसे हम मेजर करते हैं कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी एकर्स? 2.471 एकर्स. वेरी गुड. और 1 बीघा इज इक्वल टू हाउ मेनी एकर्स? 0.4 एकर्स. ओके ऑलमोस्ट. यस सर. और 1 एकर को हम क्या मानेंगे? 1 एकर हेक्टेयर से 0.405 हेक्टेयर. ओके 0.405 हेक्टेयर. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा. चलिए मुझे आप बताइए टेक्नोलॉजी फार्मिंग क्या होती है? सर टेक्नोलॉजी फार्मर फार्मिंग मतलब सर फार्मिंग में सर जो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है. right. जैसे कि सर पॉली हाउस, ग्रीन हाउस. ओके तो दीज आर टू बी नोन एज टेक्नोलॉजी, मतलब नई टेक्नोलॉजी. नई टेक्नोलॉजी को यूज करके जो. ठीक है, एग्रीकल्चर वर्ड से आप क्या समझती हैं? एग्रीकल्चर सर, एग्री मींस क्रॉप्स एंड कल्चर मींस कल्टीवेशन. ओवरऑल मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. ओके और एग्रोनॉमी वर्ड्स में क्या चीज आती है? एग्रोनॉमी सर, एग्रोनॉमी मींस स्टडी ऑफ क्रॉप्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. ओके लाइक सर वीट. And, वीट रबी है के खरीफ है? वीट सर रबी. ओके क्या फर्क क्या होता है दोनों में? सर इनका सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं सर. okay. रबी सीजन जो सर अभी जो चल रहा है टाइम उसको रबी सीजन बोलेंगे. okay. सर इनकी जो सोइंग पीरियड है वो सितंबर टू नवंबर. okay. एंड जो इसका हार्वेस्टिंग टाइम है वो सर जून टू जुलाई. वेरी गुड, यू आर हैविंग गुड नॉलेज. अच्छा आप श्री गंगानगर से बिलोंग करते हैं तो वहां पर एक सिट्रस फ्रूट बहुत फेमस है. यस सर. तो क्या नाम है उसका? किन्नो. वो किस किस दो वेराइटियों से मिलकर बना है? सर ये किंग एंड विलो लीफ से मिलकर बना है. वेरी गुड, किंग एंड विलो लीफ, वंडरफुल. इसकी फ्लावरिंग स्टेज बता सकते हैं आप मुझे? फ्लावरिंग स्टेज यस सर. इसकी मृग बहार, हस्त बहार, बहार हस्त बहार और अंबे बहार. अंबे बहार ये 3 इसकी फ्लोरिंग स्टेज है. वेरी गुड, बहुत अच्छा नॉलेज है. और किनो का अगर आप मुझे बॉटनिकल नेम बताएं तो वेल एंड गुड है. आपसे पास बहुत से क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ, पर उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, बहुत टफ क्वेश्चन आज मैं ले रहा हूँ आपसे. yes. पर उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप अपनी हॉबीज क्या रखते हैं? सर मुझे नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है और उनसे कुछ गेन करना मुझे अच्छा लगता है. एंड सर आई आल्सो लाइक टू वाचिंग मोटिवेशनल स्टफ्स. दैट्स वंडरफुल. यस. चलिए अब मैं आपके पास, सिंस आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपके पास कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूँ. सबसे जो मेजर क्वेश्चन मुझे ये लगता है कि IBC ये क्या होता है? सर ये एक कोड है, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. okay. सर जो 2016 में लाया गया था. okay. सर अभी मतलब कि जो बैंकों का जो NPA बढ़ रहा था उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी. right. तो सर NPA को कंट्रोल करने के लिए ये IBC कोड लाया गया था. सर इसमें क्या, इसमें मतलब पहले जैसे कोई NPA हो गई कोई कंपनी तो सर अगर वो रिक्वायरमेंट को कम्प्लीट नहीं करती है तो सर उसको दिवालिया कर दिया जाता है. ओके okay. अच्छा मुझे बता सकते हैं आप SHG stands for what? Self Help Group. क्या होते हैं ये? सर इसमें 10 या 12 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है. okay. जिसमें सर वो एक साथ बैठ के अपनी जो सेविंग्स होती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं एंड right. अपनी सेविंग को इकट्ठा करके वो किसी नीडी पर्सन को लोन प्रोवाइड करवाते हैं.
फिर सर जो लोन होता है उस पर जो इंटरेस्ट आता है उससे सर वो अपनी इनकम क्रिएट करते हैं. एंड सर अभी जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको बैंक से भी कनेक्ट कर दिया है सर. वो डायरेक्ट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं एंड जो उन्होंने इंटरेस्ट लिया था जो उनकी इनकम थी वो उसको बैंक में जमा करवा देते हैं एंड उन पे फिर उनको इंटरेस्ट मिलता है. तो इससे सर वो अपनी इनकम क्रिएट करते हैं. ओके, एनिमल हस्बेंड्री से आप क्या समझते हैं? एनिमल हस्बेंड्री मीन्स सर एनिमल से रिलेटेड स्टडी करना, एनिमल्स ब्रीड्स, एनिमल डिजीज एंड मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड स्टडी करना, किस एनिमल से कितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है. ओके, तो यूजली मिल्क वी गेट फ्रॉम काउ एंड बफेलो. तो सबसे ज्यादा इनकी ब्रीड कौन सी अच्छी है जो बहुत फेमस है और जो रिनाउंड है? सर काओ की जो है साहीवाल ब्रीड है वो सबसे ज्यादा फेमस है मिल्क प्रोडक्शन के लिए. एंड व्हाट अबाउट बफेलो? बफेलो सर मुर्रा. Okay. मुर्रा ब्रीड्स फेमस है. ओके ओके, एंड व्हाट टाइप ऑफ डिजीजेस दे आर फेसिंग? डिजीजेस सर काओ की जो डिजीज है फुट एंड माउथ डिजीज. ओके ओके, मिल्क में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? मिल्क में सर वाटर होता है, वाटर, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज. परसेंटेज वाइज कुछ बता सकते हैं आप हमें? यस सर, बताइए. सर काओ मिल्क है उसमें जो वाटर परसेंटेज होता है वो 87% होता है. ओके, एंड जो फैट परसेंटेज है वो सर 3.5 to 4.5. ओके, प्रोटीन कंटेंट है जो सर वो 3.3 to 3.5% एंड लैक्टोज 4.9%, मिनरल्स 0.7%. वेरी गुड. पीएसएल से आप क्या समझते हैं? PSL सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स. ओके सर, मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सेक्टर खोले गए सर. इसमें मतलब जो लोन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो सर इसमें कुछ अमाउंट फिक्स कर दी जाती है कि टोटल लोन्स जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उनका 40% जो रूरल एरियाज में है उनके लिए प्रोवाइड करवाना है. और एंड सर जो एग्रीकल्चर, इसमें जो मेनली जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है उनके लिए 18% रिजर्व रखा गया है. ओके, और सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कई सेक्शंस आते हैं जैसे सर स्टूडेंट्स के लिए जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं वो, एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोन्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन्स, सर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है एंड सर उनके लिए अलग अलग लोन्स परसेंटेज वाइज डिवाइड कर रखे हैं. ओके, एक बहुत ही कॉमन वर्ड है और मेरे ख्याल से हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो है रिटेल बैंकिंग. yes, तो रिटेल बैंकिंग से आप क्या समझते हैं? रिटेल बैंकिंग सर ये किसी कस्टमर की पर्सनल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होती है. okay. सर सर इसमें इंस्टीट्यूट के लिए कोई बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई जाती इसमें. okay. सर इसमें जो सैलरीड पर्सन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो हाउसवाइफ्स होती है, पेंशनर्स होते हैं सर, उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाती है और सर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जैसे सेविंग एंड चेकिंग अकाउंट्स, इंश्योरेंस से रिलेटेड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग्स, सर ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं. ओके, और ये सिर्फ कंज्यूमर्स को कराया जाता है इसलिए इसे कंज्यूमर्स बैंकिंग भी कहा जाता है. वेरी गुड, और इसमें ई बैंकिंग भी आ जाता है. yes. आपका इंश्योरेंस जो आपने बताया बिल्कुल. yes. और पर्सनल रिक्वायरमेंट्स की वजह के अकॉर्डिंगली इसको बनाया जाता है. राइट, वेरी गुड. जो भी आपने क्वेश्चंस के में आंसर दिए वो बहुत नाइस थे और जो भी हमने आपसे एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे वो बहुत अच्छे थे. तो हम जानना चाहते हैं थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में, प्लीज अपनी फैमिली के बारे में बताइए. यस सर, मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं. okay. मेरे फादर, मदर एंड 1 एल्डर ब्रदर. सर मेरे फादर हैं वो शॉपकीपर हैं एंड माय मदर है वो सर हाउसवाइफ है एंड माय एल्डर ब्रदर इज कोऑपरेटिंग विद माय फादर. ओके, अब आपने जितना भी हमें बताया अपनी फैमिली के बारे में तो ऑब्वियसली कि आपने अपनी एजुकेशन जो है वो डेयरी टेक्नोलॉजी में की है. राइट. yes. और उसे बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी कहा जाता है. राइट. यस सर, वेरी गुड. तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको फर्दर स्टडी करनी चाहिए बजाय जॉब के? आरआरबी स्केल 2 में आप आ रहे हैं. yes. तो इसकी जगह अगर आप फर्दर स्टडी करें तो ज्यादा अच्छा नहीं है? बताइए क्यों. सर सर इस टाइम पे मेरे को एक जॉब की रिक्वायरमेंट है. okay. तो सर मुझे लगता है कि मैंने बीटेक किया है, अगर मैं उसके बाद में भी इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिल रही है तो सर मैं ये छोड़ना नहीं चाहूंगी. ओके, आपने जब कॉम्पिटिशन से प्लान अप किया उससे पहले आपने जॉब भी की है? yes, कितने ईयर्स की? 2 years, sir, वेरी गुड. तो आपका एक्सपीरियंस डेयरी कंपनी से है? yes, तो उसमें आपका प्रोफाइल क्या था?
सर वहाँ पे मैंने एज ए क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव वर्क किया है सर. मेरा जो वर्क था वो मेनली लैब में वर्क था मेरा सर. वहाँ पे मिल के सैंपल आते थे उनकी सर, हमें टेस्टिंग करनी होती थी जैसे सर फैट टेस्ट, एसिडिटी टेस्ट एंड कैसे करते हो ये टेस्ट वगैरह किस तरीके से होते हैं सर? वहाँ पे सर इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं हमें. जैसे सर फैट टेस्ट है उसके लिए सर एक अलग से मेथड है, गर्बर मेथड सर, वो पूरा परफॉर्म करना होता है सर. उसमें ब्यूटेरोमीटर की रिक्वायरमेंट होती है. ब्यूटेरोमीटर के अंदर सर सबसे पहले 10 ml H2SO4 लेते हैं एंड फिर उसके बाद में सर 10.75 ml मिल्क लेते हैं एंड 1 ml एमाइल अल्कोहल लेके सर उसको अच्छे से मिक्स करके उसको सेंट्रीफ्यूग मीटर होता है उसमें लगा देते हैं. तो उससे सर एक पैरामीटर आ जाते हैं कि आपके मिल्क में जो है वो इतना फैट परसेंटेज है. ओके. बहुत से लोगों को कहते हैं कि मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता. यस. तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है सर? ये एक प्रॉब्लम होती है लैक्टोज इनटॉलरेंस की सर. जिनमें सर ये प्रॉब्लम होती है उनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है इजीली से लैक्टोज की वजह से. तो सर अगर वो मिल्क को डायरेक्टली कंज्यूम करने की बजाय सर अगर वो उसको दही में कन्वर्ट करके कंज्यूम करेंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि सर इसमें जो लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर क्यों बनाना चाहते हैं? बैंकिंग सेक्टर में सर, बैंकिंग सेक्टर एक पोटेंशियल सेक्टर है जो सर मुझे लगता है कि यहाँ अगर डिलीजेंट मैनर में वर्क किया जाए तो प्रमोशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. एग्री. एंड सर यहाँ पे वर्किंग रेगुलर वर्किंग एनवायरनमेंट में मिलता है जिससे सर एक्टिवनेस भी बनी रहती है. बिल्कुल. एंड सर यहाँ पर न्यू पर्सनैलिटी से मिलने का भी मौका मिलता रहता है जो सर मेरी हॉबी भी है. ओके. आपको नए लोगों से मिलना पसंद है? यस सर. वेरी गुड. एंड सर यहाँ पे बैंक है वो मॉनिटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है जो कि सर एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत जरूरी है. वेरी गुड. और रेस्पेक्ट और रिगार्ड है सोसाइटी से? यस सर, रेस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा. राइट. सो डेफिनेटली योर चॉइस इज वेरी गुड. आपकी कोई स्ट्रेंथ ऐसी बताइए जो आपकी बैंक से बेनिफिट दे हमें अगर हम आपको RRB स्केल 2 के लिए सिलेक्ट करते हैं तो? यस सर. सर मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है. That's great. सर अगर मुझे बैंक में कोई टास्क मिलता है, कोई भी काम करने के लिए मुझे मिलेगा तो सर मैं उसको एज ए चैलेंज लूंगी और उसको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में कंप्लीट करूंगी सर. ओके. मान लीजिए आपको बैंक में कभी कभी एक्स्ट्रा आवर्स भी देने पड़े. Yes. तो आप मैनेज करेंगी क्या या फिर आप इस चीज के अगेंस्ट रहेंगी? नो सर, मैनेज हो जाएगा इजीली सर. ओके. आपको लगता है कि कल अगर आप मान लीजिए किसी और बैंक में सिलेक्ट होते हैं या फिर इससे ज़्यादा अच्छी पोस्ट में जाते हैं या RBI में जाते हैं तो आप इस बैंक को छोड़ देंगे? नो सर. सर सबसे पहले तो सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है सर. अगर मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगी और मुझे सर वहाँ पे मेरी जो मुझे ग्रोथ चाहिए मुझे वो ग्रोथ मिल रही होगी तो सर मैं सर क्लोज मतलब क्विट नहीं करूंगी अपनी जॉब को. ओके. तो आप ये भी कह सकते हैं सर, डेफिनेटली व्हेन आई गेट विद जॉब आई विल नॉट गेट अ टाइम एट ऑल और मेरा जो सारा जो डेट वर्क रहेगा वो ऑब्वियसली बैंक में ही रहेगा. आई डोंट थिंक सर मुझे टाइम भी मिलेगा और मैं ऑलरेडी सर जब एक अच्छी पोस्ट पर आ रही हूँ तो मेरा फर्ज है उस पोस्ट में अपना वर्क एफिशिएंसी ज्यादा बनाऊं. राइट. रादर देन जस्ट जंपिंग हियर एंड देयर. राइट. आई डोंट वांट टू बी रोलिंग स्टोन इन माय लाइफ. बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड है. आपने जितने भी आंसर्स दिए वो शो करता है कि आपको एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड का नॉलेज बहुत अच्छा है. राइट. Yes. और ये जो आपने वर्ड लिया था ANBC इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं आप? यस सर, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट. ओके. तो ये जो वर्ड है इसका इस तरीके की फुल फॉर्म्स दे कैन ऑल्सो आस्क यू. ठीक है ना? यू शुड गेट रेडी कि आपसे बोला जाता है ATM की फुल फॉर्म क्या होती है. राइट. इस तरीके के कुछ टाइप्स ऑफ ATMs होते हैं आप जानते हैं, ब्राउन लेवल, व्हाइट लेवल. राइट. तो इस तरीके से अगर आपकी क्वेश्चनिंग होती है तो यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल इन आंसरिंग. ओके. सो थैंक यू वेरी मच. आई होप दिस सेशन विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. थैंक यू.